हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और ये रात का ब्लॉग है और अभी मेरा डिनर वगैरह बन गया हुआ है। तो डिनर बनाने के बाद जब तक हम लोग खाते नहीं हैं, उस बीच में अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता है तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े फोल्ड करके और प्रेस करके रखे हुए थे, तो उसी को मैं अरेंज कर रही हूँ। और आजकल मैंने अपना रात का रूटीन थोड़ा सा ठीक किया है, मतलब मैं डिनर जल्दी बना लेती हूँ, 8 बजे तक मेरा डिनर बन जाता है। और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ, बिकॉज रात का रूटीन सही होगा तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को भी थोड़ा जल्दी ही सोना पड़ता है। और मैं नींद में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, प्रॉपर 8 घंटे का नींद लेती हूँ। और पहले क्या होता था कि मैं काम में लगी रहती थी और जब मर्जी डिनर बनाया फिर काम में लग जाओ, और सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने इन सब चीज़ों को सुधारा है। अगर आप कोई काम टाइम से करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो कभी भी टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो अब हम लोगों का डिनर होगा और हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 बजे तक हम लोग सो जाएं। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी मैं बना रही हूँ काढ़ा, और ये जो काढ़ा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। मैंने इसमें डाला है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, काला नमक, तुलसी का पत्ता, और ये सब डाल के इसको उबाल लिया है। फिर इसको छान के मैंने इसमें ऐड किया है नींबू का रस। और अगर आपको मेरी तरह मीठा पसंद है तो ऊपर से इसमें शहद भी ऐड कर लीजिए। तो अभी हम लोग डेली दिन में एक बार काढ़ा पीते हैं। सो गाइस चलिए आज मैं आप लोगों को अपना गार्डन का टूर करा देती हूँ, बहुत टाइम हो गया था। और ये देखिए मेरे सम्मी के प्लांट में फ्लावर्स भी आ गए हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पिछले के पिछले साल भी इसमें फ्लावर्स आए थे। और पिछले साल क्या हुआ था, ये जो प्लांट है थोड़ा सा वीक हो गया था, तो हमने काफ़ी केयर किया, तो अब जाके ये प्लांट अब हेल्दी है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था, तो बहुत सारे कली भी हैं इसमें, ये देखिए प्लांट। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है कि अगर समी का प्लांट सूख रहा है तो उसका केयर कैसे करें। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये बरसात के मौसम में ही निकलता है। और ये देखिए पपीता का पौधा, हमने सीड डाला था तो उसी से ये पौधा निकला है। तो अब इसको हम दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये देखिए कनेर का कली है, फ्लावर्स भी आए हैं, मैं आप लोगों को फ्लावर्स भी दिखाऊंगी। और ये देखिए केला, और इसके जड़ में 3-4 पौधे निकले हैं। और ये मैंने लौकी लगाया है, और ये देखिए एक और लौकी। और ये देखिए मेरा आंवला, और इसका भी प्लांट काफ़ी हेल्दी है। और इसके जड़ में मैंने लीची का सीड लगाया था तो उसका भी पौधा निकल गया है। और ये देखिए तुलसी का पौधा, और ये बेल है, बेल का मैंने सीड ही लगाया था। और ये करेला है, और ये अनार है, अनार नहीं है ये बेदाना है। और ये मिंट, और ये देखिए करेला। और ये देखिए वाइट वाला कनेर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गमले में ही हो गया है। और ये देखिए कितना सुंदर गुलाब है। सो गाइस नीचे आने के बाद मैंने किचन में खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और आज मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, और इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। और आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ बना के रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घर में मतलब बहुत सारा काम है। शादी से आने के बाद जो मेरे बैंगल्स वगैरह है आज उसको भी ठीक करना है, सब ऐसे ही रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं आज लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ एक साथ ही बना रही हूँ। इसके बाद मैं बना रही हूँ भिंडी का भुजिया, और भिंडी का भुजिया मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस मैंने इसमें पंचफोरन डाला है और नमक हल्दी डाला है,
और ये जो भिंडी है बिल्कुल फ्रेश है, तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत टेस्टी बन जाता है। और ये देखिए दाल भी बन गया है, और एक तरफ मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, और ये दाल की कचौड़ी है। तो यही सब मैंने आज बनाया है। और हमारे यहाँ 15 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन हो गया है, तो ग्रॉसरी का सामान तो मेरे यहाँ पहले ही आ गया था, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा सामान है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सब मैंने फिर से मंगवाया है। जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, छोला चना है, चूड़ा है, बिस्किट, चिप्स, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब होना चाहिए स्टॉक में। और गाइज ये देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ जो डेली चाय बनता है तो उसका जो चाय पत्ती होता है उसको मैं धुल के फिर इस डब्बे में रखती हूँ, और इसको मैं बंद डब्बे में रखती हूँ। अगर आप इसको खुले में रखेंगे तो फिर मक्खी लगने लगता है, तो ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है। सो गाइज अभी शाम का टाइम है और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की, और आज मैं बना रही हूँ मूँग का चोखा। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग बनाते भी होंगे। मूंग को मैंने दिन में ही धो के फिर ड्राई कर लिया था, अब इसको थोड़ी देर रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट हो गया था, तो आप लोगों से ये गलती ना हो। तो आपको बस 1 मिनट ही इसको रोस्ट करना है, मतलब कुकर को गर्म करके और बस 1 मिनट ही इसको रोस्ट करना है, फिर इसमें पानी डाल दीजिए। और 1 कप मूँग में मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। 2 से 3 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दीजिए, और ये देखिए ये बॉयल हो गया है। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक, इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज और नींबू का रस, और ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मूँग को अच्छे से मैश कर लेना है, ये देखिए। और जितना नींबू मैंने पहले ऐड किया था उतना ही मैंने इसमें बाद में भी ऐड किया, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा हो तो फिर अच्छा लगता है। तो बस मूंग का चोखा बनके तैयार है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।